सब चीज कर देते, रिकॉर्डिंग, स्पॉटलाइट, को होस्ट। चलो अब शुरू किया जा। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो बेसिक पढ़ा, पीरियोडिक टेबल का पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं। सतीश भी अभी नहीं आया, अभी अभी उन्होंने प्रकाश नहीं आया, ठीक है। तो बेसिक पढ़ा रहे हैं वो, है ना। तो बेसिक में पहले हम आपको क्या बताया, बाबू आइटम के बारे में बताया, आइटम क्या होता है ना, वो आइटम क्या होता है उसके बारे में बताया, है ना। फिर आइटम को बाबू ब्रेक किया, आइटम पे क्या क्या, न्यूक्लियर फिजन क्या बाबू, है ना। ये सुमित राज कौन है जी? अच्छा, आइटम पे क्या क्या बाबू, आइटम पे क्या क्या बाबू, न्यूक्लियर फिजन क्या। तो आइटम को जैसे न्यूक्लियर फिजन क्या बाबू, तो आइटम से छोटे छोटे पार्टिकल निकले, है ना बाबू। मान लो ये मेरा क्या है आइटम, शांति से सुनना, ये बाबू क्या होगा आइटम, कैसा शेप होता है बाबू, स्फेरिकल शेप होता है, गोलगाल शेप होता है। तो इसको जब ब्रेक किया बाबू, आइटम को बाबू जब ब्रेक किया, तो इससे कितना छोटे छोटे पार्टिकल निकले, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल निकले, तो है ना छोटे छोटे पार्टिकल निकला, है ना छोटे छोटे पार्टिकल निकला, कितना निकला छोटा छोटा पार्टिकल निकला, है ना बाबू, छोटा छोटा पार्टिकल निकला। तो इसी पार्टिकल को बाबू किसी इसी पार्टिकल्स में बाबू किसी को नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन बाबू, किसी को नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन बाबू, किसी को नाम रखा गया प्रोटॉन बाबू, है ना, किसी को नाम रखा, किसी को नाम रखा गया न्यूट्रॉन बाबू, है ना, न्यूट्रॉन रखा गया कि नहीं बाबू, है ना, ठीक से, है ना। इसी में बाबू मेसॉन पार्टिकल का है कुछ हटके, है ना, कुछ पार्टिकल को मेसॉन कहा गया, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, है ना। तो ये कहाँ से निकला सर, आइटम से निकला, है ना, आइटम से निकला। तो अब हमको किससे मतलब बाबू, इलेक्ट्रॉन से मतलब। उसके बाद आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अब हमको क्या मतलब बाबू, इलेक्ट्रॉन से मतलब, किससे मतलब, इलेक्ट्रॉन से मतलब, है ना। तो इलेक्ट्रॉन से तो बाबू किसी भी आइटम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन को हम लोग अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाबू एक पैटर्न में अरेंज करते हैं ना। तो उसी अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को, है ना, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन के बाबू कम से कम 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक। अब शांति से सुना, तो आइटम बाबू, आइटम बाबू, आइटम 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 में बाबू क्या रहेगा, आइटम है तो आइटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसके बीच में जो सेंटर होता है वो सेंटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। आइटम के जो बीच का सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, क्या कहेंगे, वो न्यूक्लियस कहेंगे, ना न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक। और उसके बाद बाबू जैसे आप लोग सोलर सिस्टम होता है ना, उसी तरह से वो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सेल होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं बाबू, सेल होता है ना, एटम के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल होता है ना, है ना। तो ये न्यूक्लियस को छोड़ के, ये न्यूक्लियस को छोड़ के जो पहला सेल है यहाँ से, वो न्यूक्लियस के बगल से जो पहला सेल है उसको के सेल नाम रखा गया है ना। कैसे बाबू, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं तो उसको क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है ना, मोहन सोहन रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी, नहीं बाबू। तो उसी तरह से ये क्या बाबू, पहला सेल हो गया सर, जिसको के सेल कहते हैं बाबू, सेकेंड सेल एल सेल हो गया सर, एम सेल हो गया सर, एन सेल हो गया, फिर आगे ओ सेल, पी सेल, ऐसे करके आते रहे, है ना। अब इसमें सेल में कौन रहता है सर, सेल में बाबू इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कौन रहता है सेल में, इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, सेल में कौन रहेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना, सेल में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना। तो ये पहला सेल है सर, तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो एक फार्मूला होता है, कल बताया था बाबू, जो मैक्सिमम ना किसी भी सेल में बाबू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कितना होता है, 2n² होता है। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है सर कितना होगा, 2n² होगा ना, 2n². तो मान लो बाबू यहाँ के सेल है सर, यहाँ के सेल है, तो के सेल के लिए बाबू एल की, एन की वैल्यू क्या लेना, 1 लेना, है ना बाबू। यहाँ पहला सेल है वो के सेल को हम लोग पहला सेल कहें, एल सेल को हम लोग, शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं बाबू। के सेल को हमने पहला सेल कहा, ठीक है बाबू, एल सेल को हमने दूसरा सेल कहा, और एम सेल को तीसरा सेल कहा, और एन सेल को चौथा सेल कहा, है ना बाबू। उसके बाद आगे आता रहेगा, आगे रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, है ना बाबू, आते रहेगा, ठीक ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो मान लो बोलो पहला सेल, अगर के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको लिखना है बाबू, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा के सेल में, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, है ना, के सेल में बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, है ना। शांति से पढ़ना बाबू, केमिस्ट्री एकदम समझने का चीज है, समझ गया पूरा मैंने सब निकल जाएगा, इंजीनियरिंग मेडिकल यूपीएससी सब निकल जाएगा, नहीं समझोगे कुछ नहीं निकलेगा। कितना रटोगे जी, केमिस्ट्री फुली एक समझने का चीज है ना, समझने का चीज है, ठीक है। तो बाबू किसी भी सेल में सर, किसी भी सेल में शांति से सुनो, ठीक है, किसी भी सेल में बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, तो मान लो बाबू ये फॉर्मूला है, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होता है ना, 2n² होता है। तो अगर बाबू कोई कहे बाबू के सेल के लिए, के सेल के, ये सब हम बता चुके हैं, के सेल के लिए, है ना, पहला सेल के लिए, के सेल के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालो बाबू, इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, है ना बाबू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो के सेल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह बाबू एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एल सेल में, एल सेल में, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, n = 2 करेंगे, एल सेल के लिए n = 2 करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा कितना हो जाएगा, शांति से पढ़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा वो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 × n = 2 यहाँ रखो ना, तो 2 × 2 का स्क्वायर में क्या पढ़ाइए, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हुआ ना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो सेकेंड सेल में सर टेल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह बाबू थर्ड सेल रखेगा तो इनकी वैल्यू थर्ड रखो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 18, थर्ड सेल में 8 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फोर सेल रखो 4 रखो तो 4 रखो तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 तो 4 का स्क्वायर 16 × 2 कितना 32, तो 4 सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब शांति से सुनना, मतलब एक न्यूक्लियस हो गया सर, ये पहला सेल हो गया सर, ये दूसरा सेल हो गया सर, ये तीसरा सेल हो गया बाबू, है ना, इस तीसरा सेल हो गया, शांति से सुनो, ठीक है, ये तीसरा सेल हो गया सर, ये क्या हो गया बाबू, चौथा सेल हो गया, है ना, चौथा सेल हो गया बाबू, आगे इस तरह से क्या हो जाएगा, पांचवा सेल हो जाएगा, है ना, पांचवा सेल होगा। तो ये क्या है सर, ये पहला के सेल हो गया सर, ई एल सेल हो गया सर, ई एम सेल हो गया सर, ई एन सेल हो गया सर, ई ओ सेल हो गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तीसरे सेल में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32, फिर बाबू 64, है ना बाबू, 50 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक सर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का हमने क्या क्या बाबू अरेंजमेंट क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या सेल में अरेंजमेंट क्या है बाबू, कन्फिगर क्या, तो इसी को नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी को नाम क्या दे दिया गया, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम कर दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कम से कम 1 से 20 तक का जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे सीखेंगे, और यहीं से क्या करेंगे, वो वैलेंसी को डिफाइन करेंगे ना। कोई भी बाबू कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, अपना बाबू ऑक्सेट कम्प्लीट करने के लिए करता है ना, ठीक। तो इतना हो गया बाबू, ये आपको समझ में आ गया, किसी भी सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना बाबू, है ना। अब यहाँ से बाबू 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का लिखें, तो पहला बाबू पहला जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो तो आपको बताया था बाबू, है ना, एटॉमिक नंबर 1 है बाबू, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो जितना बाबू किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 सर, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 बाबू, है ना, 1 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 1 सर, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा बाबू। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन का कैसे बनाओगे, इरेज कर दिया बाबू, सारा का सारा इरेज कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ना, ऐसा का बनाना, ऐसा का घर बनाना, है ना, देखो कैसे बनाओगे। लेट से क्यों आता आर्यन, हद कर देता है बाबू, 20 मिनट आएगा, क्लास करेगा, फिर जाएगा, सिंसियर तो है ये नहीं बाबू। आर्यन बाबू 5 बजे से क्लास है बाबू, आता है 5:20 में आता है, ठीक। अब सर हाइड्रोजन है सर, तो हाइड्रोजन का बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, हाइड्रोजन में एक के इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में बाबू क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और ये पहला ऑर्बिट हो गया सर, तो एक के इलेक्ट्रॉन बाबू, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रह सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यह हाइड्रोजन का हो गया, ठीक हो। उसी तरह बाबू हीलियम, अब यहाँ समझो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, इसी क्या बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वैलेंसी क्या होता है सर, वैलेंसी क्या होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, उसी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे ना बाबू, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, और उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इस बाबू हाइड्रोजन एटम के लिए यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक बार शांति से याद रखना, शांति से, कोई भी एटम बाबू, कोई भी एटम चाहता है स्टेबल होने के लिए, शांति से सुनो। जैसे बाबू आप भी पढ़ाई कर रहे थे, क्यों सर, क्योंकि आप चाहते बाबू स्टेबल हो, मेरे पास पैसा आवे, है ना बाबू, थोड़ा सा बढ़िया रैंक पे जाए, है ना। तो उसी तरह से बाबू कोई भी एलिमेंट है बाबू, है ना, कोई भी एलिमेंट है तो वो स्टेबल होना चाहता। तो अब बात है सर स्टेबल कैसे होगा, आप तो बाबू पढ़ाई लिखाई करके नौकरी उकरी लग जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन बाबू ये जो हाइड्रोजन आइटम है, हीलियम आइटम, इसको नौकरी थोड़ी जॉब थोड़ी लगने जा रही है, स्टेबल अपने आप को कैसे गिनाएगा, कैसे कहेगा कि हम स्टेबल हों। तो कोई भी आइटम बाबू स्टेबल तभी होता है बाबू, जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है कोई भी आइटम में बाबू, हीलियम को छोड़ के, है ना बाबू, हीलियम हाइड्रोजन को छोड़ के, हीलियम हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है ना। हम ये कह रहे हैं बाबू कि कोई भी आइटम स्टेबल तभी होगा बाबू, शांति से सुनना, जैसे उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बात समझो, कोई भी आइटम के बाबू आउटर मोस्ट जो सेल है ना, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह बाबू अपने आप को बाबू क्या मानेगा, अस्टेबल मानेगा, है ना, ठीक है, अपने आप को क्या मानेगा, वो अस्टेबल मानेगा। अस्टेबल मतलब बाबू वो फिर रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, कोई भी कंपाउंड रिएक्शन नहीं करेगा, है ना बाबू। अगर किसी भी एलिमेंट को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वह स्टेबल मानेगा, मन वो डीएम बन गया है बाबू, आईएएस ऑफिसर बन गया है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है ना बाबू। अगर 8 से कम है, 7 है चाहे 6 है ना, वो 8 से कम अगर है
तो वो क्या होता है बाबू, अनस्टेबल होता है। मान लो किसी भी आइटम का बाबू आउटर मोस्ट आइटम कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 है, 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल है। अब ये चाहेगा सर हम स्टेबल हो गए, है ना, जैसे आप बाबू नौकरी करोगे, है ना, नौकरी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके नौकरी लगेगा तो स्टेबल होगा। तो उसी प्रकार बाबू ये जैसे मान लो ये जो एलिमेंट है इसका आउटर मोस्ट आइटम अगर 7 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो ये चाहेगा स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए बाबू क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा बाबू, रिएक्शन करेगा, है ना। और वही दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू, देगा, है ना, दूसरे एलिमेंट से। मान लो इसके इसके वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, शांति से सुनना समझना, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है बाबू तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, है ना, किसी भी तरह से करे, मार के करे, धार के करे, मर्डर करके करे, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप को स्टेबल मान लो, है ना। तो इसका वैलेंस सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन तो बाहर से क्या करेगा, किसी दूसरा एलिमेंट आएगा उससे ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये कहा हम स्टेबल हो गए, अब ये कहा क्या कहा बाबू, हम स्टेबल हो गए, है ना, स्टेबल हो गए। तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही बाबू, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही केमिकल रिएक्शन होता है ना, एलिमेंट आकर करके दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है ना, और वही कंबाइन को बाबू आप लोग बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। जैसे आप बोले ना बार बार, आप लोग स्टेबिलिटी कैसे गेन करोगे, पढ़ाई करके, नौकरी करके, आईएएस ऑफिसर बन के, तो एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स है वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करता, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख के वो स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है ना, वो स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है, ठीक है। अब शांति से सुनना, तो ये हाइड्रोजन है बाबू, इसका आउटर मोस्ट आर्गुमेंट क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह प्रभु, इसी तरह सेकंड में मेरा क्या, पीरियोडिक टेबल का सेकंड एलिमेंट, सेकंड एटॉमिक नंबर वाला कौन है सर, हीलियम है। सेकंड में बाबू कौन है, हीलियम, सेकंड में मेरा हीलियम है ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 सर है, एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं, कल बताया बाबू, है ना, ठीक है, 2 हो गया सर। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एटॉमिक नंबर 2 सर, तो इलेक्ट्रॉन्स 2 सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सर, अब देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो गया बाबू, ये हीलियम हो गया, हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये क्या भाव न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, है ना, NuCl2S, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसका फर्स्ट सेल हो गया बाबू, हीलियम का फर्स्ट सेल हो गया, है ना। तो फर्स्ट सेल में बाबू मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आपको बताएं बाबू, 2n2, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 सर, 2 सर, 2 सर, है ना। तो जब फर्स्ट सेल में 2 सर रहेगा, और हीलियम के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो ये क्या है बाबू, स्टेबल हो गया। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाबू बोले ना बाबू कि हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, है ना बाबू, बाकी सब एलिमेंट अपना 8 इलेक्ट्रॉन रखता, लेकिन हीलियम क्या रखता है बाबू, अपन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, कितना रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हीलियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, सेकेंड सेल में बाबू, फर्स्ट सेल में बाबू मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट सेल में ये बाबू ने न्यूक्लियस, उसके बाद ये पहला सेल था, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया हीलियम के पास, तो अब ये कहेगा हम रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना, है ना, अब रिएक्शन वेक्शन कहीं कुछ नहीं करने जा रहा। तो इसी कारण बाबू हीलियम को क्या कहा गया बाबू, इनर्ट गैस कहा गया या इनोबल गैस कहा गया, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि ये बाबू स्टेबल हो गया, है ना, क्यों स्टेबल हो गया सर, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट सेल में, है ना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, है ना बाबू। अब रिएक्शन नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, रिएक्शन जब नहीं करेगा कोई भी एलिमेंट बाबू, रिएक्शन क्या करता है सर, रिएक्शन इसलिए करता है बाबू, है ना, कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो हीलियम के केस में शांत रहना, हीलियम के केस में बाबू ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, हीलियम के केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट मतलब 2 2, है ना, तो इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना बाबू। अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी 0 हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, ठीक हो। नेक्स्ट वो लिथियम के केस में आ जाओ, लिथियम के केस में, है ना, लिथियम के केस में आ जाओ। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, पीरियोडिक टेबल में 1 से कम 30 तक के एटॉमिक नंबर याद रखना, है ना, 1 से 30 तक याद रखना। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, 3 सर, जितना एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, 3 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जितना बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही बाबू, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 3 हो गया सर, 3 हो गया, है ना वो, 3 हो गया। अब बाबू लिथियम के बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फोटो ड्रा करो, तो एक न्यूक्लियस होगा सर, ये फर्स्ट सेल हो गया सर, और ये सेकेंड सेल हो गया। तो अभी बताएं बाबू कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यही है ना बाबू। ये 2n2 वाला फॉर्मूला याद रखना, 2n2 वाला, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो फर्स्ट सेल में हमको 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल भरो,
तो पहला दो इलेक्ट्रॉन भर गया बाबू, है ना, पहला सेल भर गया, ठीक ठीक सर। उसके बाद बाबू दो तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में तो मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगला सेल में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगला सेल में जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी इंडिकेट कर सकते हो, यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हो, यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हो, कहीं भी इंडिकेट कर सकते हो। उसके लिए इशू नहीं कि सर यहीं पे क्यों होता, यहाँ यहाँ कहीं भी इंडिकेट कर सकते हो, है ना। तो अब बाबू इस लिथियम आइटम के लिए वो बाहर वाला सेल कौन होगा, सबसे अंतिम वाला सेल कौन हो गया बाबू, सबसे अंतिम वाला सेल ये वाला हो गया ना बाबू, यही हो गया ना सबसे अंतिम सेल। ये तो फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, तो यही ना सबसे अंतिम सेल हो गया बाबू, है ना। तो ये अंतिम सेल हो गया, तो जो लास्ट वाला सेल रहेगा उसको वैलेंस सेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, तो पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन सर, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, शांति से पढ़ो पहला सेल। उसके बाद बाबू नेक्स्ट सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, E2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लिथियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लिथियम का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लिथियम का। समझा बाबू सुमित कि नहीं समझा, यस सर, समझे समझ रहा सन्ना, हूँ। यस सर, सन्ना हनुमान जी बाबू समझे, समझा हनुमान जी। सर मेरा ये नाम नहीं है। हाँ मेरा नाम है लिथियम, नहीं सर, मेरा ये नाम नहीं है। आपका नाम नहीं बाबू, तो आप टाइम पे आइए ना बाबू। श्रुति समझे, श्रुति बाबू, श्रुति तो यस सर, चार किसका होता है बाबू, चार आइटम नंबर। यस हाँ अब सारे एलिमेंट का लिखेंगे 120 तक के, सारे का जल्दी जल्दी लिखो। चार किसका होता है, चार किसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू, बेरिलियम, बेरिलियम का। चार किसका होता है, बेरिलियम का, बेरिलियम का लिख स्टार्ट करेंगे ना। हाँ बाबू चार लिखो बाबू, पांच लिखो बाबू, सारे एलिमेंट का इसी तरह से बनाओ, फटाफट बनाओ, कम से कम 120 तक के सारे बना लो बाबू, है ना। उसके बाद टेबल बनवा देंगे, उसके बाद पीरियोडिक टेबल बाबू। बीस तक हाँ आज तक खत्म हो जाएगा, 20 तक देखते बाबू कहीं नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू फोर नंबर, फोर जल्दी अब लिखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो, 5G जनरेशन से काम करो। प्रखर, ये प्रखर यस सर, बाबू कैसे तेज बनोगे बाबू, कहीं नहीं तेज हो रही हो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बाबू, बेरिलियम लिखो। फोर किसका है सर, बेरिलियम का है। नेक्स्ट बाबू फोर, बाबू फोर दो पार्ट में, आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर। फोर बाबू बेरिलियम है सर, BERYLLIUM बेरिलियम है बाबू, है ना बाबू, बेरिलियम है। बेरिलियम का बाबू क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन BE होता है ना, BE होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना सर, चार सर, एटॉमिक नंबर बाबू कितना होगा सर, चार होगा। लिखते चलिए बाबू, लिखते चलिए, चार होता है सर, है ना, लिखते चलो, समझते चलो। कौन है बाबू, सुमित्रा जी का है, इसे अप डाउन हो रहा, चलो ठीक है। एटॉमिक नंबर नंबर के बाद क्या लिखे, टू जेड, अरे जेड है बाबू, एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक ठीक है सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन बना लेना, चार इलेक्ट्रॉन से चार इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बना लेना, है ना वो। तो न्यूक्लियस होगा सर, फर्स्ट सेल होगा सर, सेकंड सेल होगा, फर्स्ट सेल चार इलेक्ट्रॉन है। अब चार इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार इलेक्ट्रॉन को क्या करना, लिख लो सैतान, उसके बाद समझाते हैं, छोड़ो ये तो आप लोग लिखोगे फिर समझोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, लिखो फिर समझा देते बाबू। इसका वैलेंस शीट दो होगा सर। हाँ बाबू इसी लिखो, लिखो फिर समझा, इसी टू हो गया बाबू, इसी टू हो गया, है ना, फिर बाबू वैलेंस ये इसी पहला सेल दूसर, और उसके बाद दो दो हो गया वैलेंसी, वैलेंसी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। पांच में बाबू, पांच किसका होता है सर, बोरोन का होता है, पांच किसका होता है वो, बोरोन का होता सर। इसी करके क्या लिखे, इसी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरोन को हम लोग, बोरोन को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर कितना सर, समझाते हैं, लिख लिखो, एटॉमिक नंबर कितना सर, जेड की वैल्यू, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड बराबर कितना सर, फाइव सर, है ना, ठीक है सर। तो एटॉमिक नंबर जितना होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा सर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, फाइव इलेक्ट्रॉन्स होगा। पांच इलेक्ट्रॉन को आप सेल में इंडिकेट करो, न्यूक्लियस सर, फर्स्ट सेल सर, सेकेंड सेल सर, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन सर, और दूसरा सेल में तीन इलेक्ट्रॉन सर,
पांच इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दो इलेक्ट्रॉन सर, तीन इलेक्ट्रॉन सर, वैलेंसी सर। हाँ बाबू, सर बेरिलियम का जो सर शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या बीई बोलेंगे या बी बोलेंगे? बीई है बाबू, बेरिलियम बीई है, बी से ब्रोन होता है, बीई है। अच्छा सर, बीई बेरिलियम होता है। छह नंबर बाबू, छह नंबर में कार्बन होता है, छह नंबर में कौन होता है, कार्बन होता है। लिखते चलना सुमित बाबू, सुमित आया शैतान, छह नंबर में कार्बन होता है। Yes, कार्बन को सी तो सोया हुआ था बाबू, थोड़ा पांच मिनट लेट हो गया सर। एटॉमिक नंबर बाबू जेड, जेड होता बाबू छह होता। आई आर्यन कहाँ गया बाबू, आर्यन मेरा देख नहीं रहा, आर्यन yes, sir। हाँ बाबू, तो कल कितना देर के लिए आए थे बाबू? कल पूरा टाइम आए थे सर, छह बजे चले गए थे। छह बजे गए थे बाबू, अच्छा चलो लिखो जल्दी से लिखो आर्यन, फिर समझाते बाबू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू, अन्य फेयर में लिखा रहा था पीट देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छह सर, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। आनंद वीडियो का बंद है, प्रखर बाबू ऑन कीजिए। प्रखर शैतान थोड़ा सा इसके लिए छोड़ते कि सर वीडियो बंद करते ना सर, तो ठीक दिखता है, नहीं दिखता है। दो इलेक्ट्रॉन सर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन सर, चार इलेक्ट्रॉन बाबू। तो इसी हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो सर और उसके बाद चार सर। वैलेंसी कितना हो जाएगा, वो चार हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, है ना? ठीक बाबू, उधर हम लोग लिखते हैं बाबू, जब तक आप लोग इधर लिखो। साथ में बाबू नाइट्रोजन होता है, कम से कम 20 तक बाबू कंप्लीट करो। आगे लिखाइए तो लिखा रहे हैं शैतान, लिखने में बनेगा तब ना बाबू। सर तो सात बाबू, सात बाबू, साथ में क्या होता है सर, नाइट्रोजन होता है। साथ में क्या बाबू, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। लिखो फिर समझा देते हैं, समझा देते हैं। एटॉमिक नंबर सर, एटॉमिक नंबर को बाबू जेड से इक्वल टू सेवन सर। हिमांशु समझ में आ रहा बाबू? यस सर। एलकेजी का चीज है कि नहीं बाबू? हाँ एलकेजी का भी, और पहले पढ़े थे भी। चलो ठीक है, अब इसका बाबू नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ बाबू। तनुकुलियस हो गया सर। श्रुति बाबू समझ में आता है? श्रुति यस सर, झूठ नहीं ना बोलती हो? नो सर। हाँ झूठ नहीं बोलना बाबू, सुबह सुबह तो और नहीं बोलना चाहिए, सुबह सुबह भगवान रहते हैं, है ना? सुबह सुबह तो और नहीं बोलना चाहिए बाबू। ठीक है बाबू, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बाबू, ये दो हो जाएगा सर और पांच हो जाएगा। हाँ बाबू सर, आप एटॉमिक नंबर फिर ब्रैकेट में जेड लिखे हैं ना? हाँ जेड है बाबू, सारे जगह एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 बाबू 3 हो जाएगा। बताते हैं 8 नंबर बाबू, 8 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। शिवांगी, ए शिवांगी सर। यस सर। हाँ बाबू, काहे नहीं समझ रहा बाबू? सर आप जैसे बनाया है नाइट्रोजन का, सर उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ऐसे ही एकदम रहता है या इधर उधर भी रहता है? अरे बाबू इसी ऑर्बिट में रहेंगे, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन सर आप तो वहाँ नहीं ड्रॉ किए हैं सर, मतलब हिलते रहता है। हाँ बाबू इलेक्ट्रॉन का मोशन होते रहता बाबू, अब बता नहीं था इलेक्ट्रिक करंट बाबू, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी इस ऑर्बिट में कहीं भी रह सकता है ना। ऐसी मांगी, काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? शिवांगी सर आ तो रहा है, आ रहा है बाबू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के बाबू इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट सेल हो गया सर आपको। जानवी शर्मा, काहे नहीं आ रहा जानवी शर्मा? कौन आया बाबू,
अभिनवानंद जानवी सर आता तो है सर आता है बाबू यस सर एल के जी का चीज है बाबू शर्म आता पढ़ाने में सर इसमें फर्स्ट में 2 होगा सेकंड में 6 हाँ मेरे लाल पहला में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन और आपको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है तो दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 4 ये थोड़ा और भी टेढ़ा हो गया ठीक है ना बाबू लिखने में नहीं बन रहा 2 4 2 4 6 हो गया है ना तो इसी कितना हो जाएगा पहला में 2 सर दूसरे में बाबू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में नहीं बन रहा है 2 है सर और 6 है ना वैलेंसी 2 हो जाएगा बताते हैं कैसे वैलेंसी 2 कैसे होगा सर 8 माइनस बता रहे हैं बता हां बाबू बताते हैं लिखो ना वैलेंसी बाबू कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 कर देंगे 2 हो जाएगा लिखने में लिखो फिर समझा देते हैं सतीश नहीं आया है वो अभिनय प्रकाश है वो सतीश है शिवानी बाबू समझ में आ रहा है शिवानी यस सर चलो अच्छी बात है शिवम बाबू खाली ये तो फाइन दिखाई भी करता शिवम कैमरा थोड़ा डाउन करो ना बाबू सो जाता ए शिवम सो गया क्या शिवानी शिवम यस सर अब्बा मेरे लब्बा नींद आ गया था इसको नींद आ गया था बाबू हाँ यहीं पे था कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए ना फाइन तो दिखा देते बाबू पता नहीं चलता देखो तो गौरव का सबसे बढ़िया परफेक्ट पोजीशन एकदम फुल आता है और थोड़ा डाउन करो बाबू श्रुति का हाफ आता जल्दी लिखो जल्दी लिखे समझाते हैं फिर सर मेरा ठीक है हाँ आपका भी ठीक है सौरभ का भी ठीक है शिवानी का शिवम का गड़बड़ रहता बहुत गड़बड़ रहता उसका बाकी लगभग का ठीक है फुल फेस आता संजना का भी ठीक है लिख लिया प्रधान हाँ सर लिख लिया बाबू सारे बच्चे तो इसी जैसे आप पढ़ो सारे बच्चे तो उसी तरह पढ़ते हैं ना बाबू एडजस्ट तो करते ही हैं सारे का फेस दिख रहा है देखो तो जानवी शर्मा का भी दिख रहा है आ गया सतीश बाबू आया हुआ है सतीश शैतान जल्दी लिखो कम से कम 1 से 20 तक के लिखेंगे लिखी जानवी शर्मा जल्दी लिखो बहुत पढ़ना बाबू एकदम पढ़ी देते बहुत पढ़ना है क्या करें अभी केमिस्ट्री सूर्य वाइस में बाबू अपने एकदम समुंदर हर एक सब्जेक्ट बाबू आपस में अब मैंने वो सेम है पढ़ते जाओ खत्म ही नहीं होगा लिखी जानवी शर्मा ये सर इधर वाला लिख ले सर 8 नंबर में हे बाबू जल्दी लिखो लिखी प्रखर सर कंप्लीट प्रखर सर लास्ट नंबर जल्दी बाबू थोड़ा फास्ट लिखो बाबू इतने बड़े आप लोग हो गए सब यहाँ किस किस क्लास का सर हाँ ठीक है पढ़ते था सुन ले बाबू सर टॉमिक का ए और टॉमिक का लगा के लिख लिया है ए टी एम ओ आई सी एटॉमिक नंबर है एन ओ एम नंबर हो गया अब वो बगल में जेड है सारे जगह एटॉमिक है चलो बाबू अब लिखो चाहे मत लिखो बस देखो चलो ठीक है देखो क्या करें बरेलिया में सर लिख लिए अच्छा ठीक अब लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा अब लिखना बंद करो देखो सर बरेलिया में सर बरेलिया में वो तो बरेलियम का एटॉमिक नंबर कितना सर 4 सर तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया सर 4 हो गया है ना 4 हो गया अब 4 इलेक्ट्रॉन को बहु आपको सेल में अरेंज करना है कैसे कैसे अरेंज करेंगे सेल को बहु अरेंज करना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए आपको बताएं बाबू कि ये न्यूक्लियस होगा ये पहला सेल तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ध्यान देना आपको बताएं ना 2n² के प्रिंसिपल के अनुसार 2n² फार्मूला के साथ पहला सेल में 2 ये इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया सर और उसके बाद कितना 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर अगला सेल लाओ है ना आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला सेल में तो 2 ये इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अगला सेल फिर एक ड्रा करेंगे सर
तो दो इलेक्ट्रॉन है, चार लाना है, तो कितना है अगला सेल में, कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे सर? तो ये इलेक्ट्रॉन इसी क्या, अब शांति से सुनो, समझो समझो शांति से समझो, ठीक है ना, लिखेंगे कैसे सर? इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये पहला सेल को बताता और ये दूसरा सेल को बताता, तो पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में दो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैलेंसी क्या सर? अभी से बाबू ये बेरिलियम एटम के लिए सबसे आउटर मोस्ट वाला सेल कौन सा है सर? यही बोला ना, सबसे आउटर मोस्ट है बाबू, सबसे बाहतम, सबसे बाहतम, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल यही है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है सर? दो इलेक्ट्रॉन, तो यही क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, है ना, वैलेंसी हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू बोरोन का करेंगे, तो बोरोन का करेंगे एटोमिक नंबर कितना सर? पांच, पांच। तो जितना एटोमिक नंबर उतना क्या होगा उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो पांच इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पांच इलेक्ट्रॉन्स को बाबू इसको अरेंज करो, अरेंज करो, तो बीच में न्यूक्लियस, पहला सेल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, और पांच लाना है, तो अगला सेल में कितना, तीन इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में बाबू दो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, हमेशा ये कसम खा लिया बाबू कि हम पहला जो सेल है बाबू उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में आठ इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में आठ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा सेल में अठारह रहेगा, है ना। तो दूसरा सेल में आठ इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम आठ रह सकता, आठ से कम भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम आठ होगा, नौ कभी नहीं होगा, नौ कभी नहीं होगा, है ना। पहला सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, तीन चार कभी नहीं होगा, दूसरा सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होगा, आठ से नौ दस ग्यारह नहीं होगा, आठ से कम हो सकता है। तो दूसरा पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन सर, और दूसरा सेल में पांच है बोलते, दो तो इलेक्ट्रॉन पहला सेल में होगा, तो नेक्स्ट सेल में कितना होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन, तब ना पांच होगा बाबू, हाँ तो पांच हो गया सर, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? पहला सेल का दो इलेक्ट्रॉन सर, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन सर, और इसमें आउटर मोस्ट सेल यही होगी ना बाबू, आउटर मोस्ट सेल यही होगा, तो यही क्या होगा, वैलेंसी होगा। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू कार्बन, कार्बन, कार्बन का एटोमिक नंबर कितना सर? एक से बीस तक के कम से कम याद रखो, छह सर, छह सर, छह, तो इलेक्ट्रॉन भी छह सर, एटॉमिक नंबर छह, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छह हो गया, छह हो गया वो, छह हो गया। तब इसको सेल में अरेंज करो, तो न्यूक्लियस सर पहला सेल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन, तो दो हो गया सर, छह इलेक्ट्रॉन लाना, तो अगला सेल में कितना सर? चार जाएगा, तो अगला सेल में कितना हो गया? चार हो गया, चार हो गया, चार हो गया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाबू कार्बन एटम के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है सर वही क्या होगा, वैलेंसी होगा सर। तो वैलेंसी कार्बन का कितना हो गया? फोर हो गया। वैलेंसी क्या हो गया? फोर हो गया ना, तो वैलेंसी फोर हो गया, इसका टेट्रा वैलेंट एलिमेंट कहेंगे। वैलेंसी थ्री है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो ट्राइवैलेंट एलिमेंट कहेंगे। वैलेंसी जिसका दो है उसको डाइवैलेंट कहेंगे ना, और जिसकी वैलेंसी वन है सर उसको मोनोवैलेंट कहेंगे, मोनोवैलेंट कहेंगे, है ना, मोनोवैलेंट कहेंगे। नेक्स्ट नाइट्रोजन आ जाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सात सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात सर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सात सर, तो सात इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, सात इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, कैसे अरेंज करोगे? न्यूक्लियस बाबू, न्यूक्लियस का पहली बात, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? दो सेल, दो इलेक्ट्रॉन हो गया सर, और सात लाना है, तो अगला सेल में कितना हो जाएगा? पांच इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर, पांच इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में दो सर, और नेक्स्ट सेल में पांच हो गया था, ये हो गया। अब बाबू जब भी बाबू आउटर मोस्ट सेल में बाबू, अब ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, है ना, कि किसी भी बाबू है ना सेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर पांच या पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे, संदेश सुनो, पांच या पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रहे, है ना बाबू, किसी भी बाबू सेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वाह मेरे बाबू आइए आप लोग तो खैर महान है बाबू सर, किसी भी बाबू सेल के बाबू, किसी भी सेल के बाबू है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन या पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे, तो उस केस में हम लोग वैलेंसी कैसे निकालें, उस केस में वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो आठ में सब्ट्रैक्ट कर देना, बताएंगे क्यों होता है ना, बताएंगे हम ये बोले वो, किसी भी बाबू अगर कोई भी आइटम है सर, एलिमेंट है सर, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन या पांच से ज्यादा रहे, है ना, पांच से ज्यादा रहे, तो उसके लिए क्या करना बाबू, आठ में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। तो यहाँ पांच है ना सर, तो पांच है, तो इसको एट में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना वैलेंसी आ जाएगा? तीन आ जाएगा, तीन आ जाएगा, है ना। देखो किसी भी सेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वही उसका वैलेंसी होगा, एक रहेगा एक हो जाएगा, दो रहेगा दो हो जाएगा वैलेंसी, तीन रहेगा तीन हो जाएगा, चार रहेगा चार हो जाएगा उसका वैलेंसी। ठीक, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पांच रहेगा पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? तो आठ में से सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। क्यों सर? क्योंकि बाबू कोई भी आइटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट मीन्स क्या होता है? आठ होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो एट में से जितना नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसको सब्ट्रैक्ट करते, तो एट में उसको कितना? थ्री हो जाएगा, है ना। तो कौन था सर? नाइट्रोजन था। उस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना सर? आठ सर, आठ होता है ना, तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर? आठ। वैलेंस एटॉमिक नंबर आठ सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर? वही आठ होगा, तो आठ इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। तो पहला बाबू पहला सेल में कितना? दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट सेल में बाबू। अब आठ इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड सेल में कितना हो जाएगा? छह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब ना आठ हो जाएगा, वो आठ हो जाएगा। ठीक सर, आठ हो गया। अब इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन सर, उसके बाद नेक्स्ट सेल में कितना? छह इलेक्ट्रॉन होगा। अब वैलेंसी निकालना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके लिए बाबू यही बोला ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है मेरे बाबू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है पांच से, तो इसका वैलेंसी निकालना, तो पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर दो? एट माइनस सिक्स कर दो, कितना जाएगा ऑक्सीजन वैलेंसी? टू आ जाएगा, टू आ जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग बीस तक लिखेंगे, आप फटाफट बीस तक लिखो, खत्म करो इसको।
समझे बाबू कौन है प्रखर, समझे कि नहीं समझे प्रखर? कपड़ा कहाँ रख दिए से? नहीं समझ में आता बाबू, क्या क्या खिलाएं बाबू कि आप लोग एकदम तेज हो जाए, सबसे तेज हो जाए। मेरे पास कुछ है भी नहीं, कोई वरदान उरदान भगवान देते तब ना बाबू, एकदम फाइव में जीते जीते टेंथ इलेवन तो सब खत्म कर लो एकदम। नेक्स्ट बाबू, ऑक्सीजन के बाद नौ में कौन है सर? नौ में कौन है बाबू, है ना? नौ में हम लोग लिखे हो, है ना? नौ में कौन है सर? फ्लोरीन होता है। नौ में कौन है बाबू? फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन होता है। दस में नियॉन होता है। जिसका बाबू ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी आपको बाबू वीडियो तो आज नहीं दिख, टाइम बचेगा तब ना वो, पहले इसको 120 तक के लिखो सारे को, इतना लिख लोगे ना वो फिर आगे हमको पीरियोडिक टेबल में आसान हो जाएगा पढ़ाना। सर 20 तक ही लिखे हैं, 20 से आगे भी नहीं, 20 तक अभी हम लोग दसवां तक जाएंगे, है ना? दसवां में 20 तक जाएंगे, ठीक है ना? आगे भी है बाबू, 30 तक 50 तक जहां तक लिखो। इसका एक चैप्टर है बाबू, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर करके बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर का चैप्टर है, तभी तो हमको पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है बाबू। ये तो इसको आपको वैलेंसी समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक वर्ड आएगा वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, तो उसको समझाने के लिए हम इतना ततिमा कर रहे हैं। हाई स्कूल में रहता बाबू तो इतना हम थोड़ी करते, डायरेक्ट वैलेंसी जी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट बाबू, वैलेंसी हो गया। आठ के बाद नौ बाबू, नौ कौन है सर? फ्लोरीन है। नौ कौन है बाबू? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। नौ कौन है बाबू? फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है। फ्लोरीन को कैसे सर? एफ से, एफ से लिखते चलो, लिखते चलो मेरे लाल। ईसा सुबह हो गया बाबू, ऐसा एटॉमिक नंबर कितना सर? जेड बाबू, जेड कितना? नौ सर, और नौ हो गया एटॉमिक नंबर बाबू, है ना? और कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर? धर्मवीर नहीं ना आया बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर? नाइन सर। एक धर्मवीर नहीं ना, फिर उसके पापा ही फोन करते शैतान, नहीं आया ना वो, नहीं पढ़ेगा, पढ़ने वाला है ये नहीं बाबू, कैसे पढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 9 सर। तो नौ इलेक्ट्रॉन को सेल में आपको अरेंज करना है। न्यूक्लियस हो गया सर। सौरभ बाबू समझ में आ रहा है? सौरभ यस सर। हाँ बाबू, तो पहले पढ़े हो कि नहीं पढ़े बाबू? सर पढ़ा हूँ। ठीक बाबू, ठीक है। फर्स्ट सेल में कितना सर? दो इलेक्ट्रॉन सर। सेकंड सेल में नौ है बाबू, नौ है, तो सेकंड सेल में कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 4 6 बाबू, और 1 7 हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना बाबू? ठीक है सर, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग इसका कैसे लिखेंगे? इसी बाबू, पहला सेल में 2 सर, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन सर, वैलेंसी सर। तो 7 से ज्यादा है बाबू, तो 8 - 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फ्लोरीन हो गया बाबू, और कौन कौन इस बीच में गायब है शैतान? फ्लोरीन है। 10 में बाबू नियॉन होता है, 10 में नियॉन होता है, नियॉन होता है ना, नियॉन होता है। नियॉन को बाबू एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक ठीक सर। एटॉमिक नंबर कितना बाबू? हिमांशु हाँ एन ई बाबू, नियॉन हो गया, कैपिटल एन स्मॉल ई। हिमांशु समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। हिमांशु चलो ठीक है बाबू, मन से पढ़ना बाबू, ऐसा पढ़ना कि पागल हो जाना। हमारे ऐसा वैसे पढ़ता बाबू, सुबह से लगा भाता 4 बजे। एटॉमिक नंबर जेड कितना होगा नियॉन का? 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये प्रकाश सिंह बाबू कहाँ नहीं समझ में आ रहा बाबू? सर आ तो रहा है। आ रहा बाबू, तो लेट से क्यों आते सुबह शाम बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। हाँ बाबू, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, 10 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो दूसरा में कितना होगा सर? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। नियॉन के बाद से बाबू एक घर और आ, एक सेल और आ जाएगा, 2 4 6 2 8, तो इसी कितना हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। अब इसका आउटर लिख लो, लिख लो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 8 - 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गया बाबू, 11 सोडियम।
हाँ इनर्ट गैस है बाबू, इनर्ट गैस। 11 बाबू सोडियम, सोडियम को बाबू NS इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर जेड बाबू। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना सर? 11 सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर? 11 सर। तो इसको फेयर भी करना है हिमांशु बाबू और सुमित, समझा हिमांशु सुमित? यस सर, यस सर। नहीं तो कूट देंगे पकड़ के, अलग कॉपी में करेंगे। हाँ मेरे लाल, अलग कॉपी में करना, खिचड़ी मत बनाना। ठीक है, ठीक है सर। 11 इलेक्ट्रॉन है सर, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर। दूसरा सेल में 8 सर। सर उसके बाद 1। हाँ सेकेंड में बाबू मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, समझा देते हैं, लिखो ऐसे आप लोग समझोगे नहीं। शिवांगी, ये शिवांगी बाबू। यस सर। कैसे बनोगे IAS ऑफिसर बाबू? छोटा मोटा इंजीनियर बनके क्या करो बाबू, IAS ऑफिसर से नहीं, बीटेक पहले कर लो, ठीक है ना? कहीं IIT से कर लो बीटेक, उसके बाद UPSC की तैयारी करना। ठीक है ना, तब ना मजा आएगा बाबू लाइफ का। सर मुझे SST में नहीं इंटरेस्ट है। अरे SST एगो सब्जेक्ट है बाबू, रहना क्या, 2-3 महीना पढ़ लोगे तो हो जाएगा SST वगैरह। जरूरी क्या SST है रहता बाबू, कोर सब्जेक्ट ले लेना जो ब्रांच से करोगे। EC कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू? पहला 2 सर, 8 सर, 1 सर। वैलेंसी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू, वैलेंसी 1 हो गया मेरा। बस चले बाबू, तो आप लोग 10वां पास करते करते IAS UPSC का एग्जाम दिलवाते। बचपन से आता है ना, मैंने थर्ड जैसे संकल्प आया, मां अभी दूसरा में है बाबू, है ना? तो अगर टिक गया तो बाबू उसका फल जीते जीते तो आप लोग से तेजे कर देंगे। अभी देखता हूं खुश से एक कैसे होगा सर, कितना से माइनस करेंगे? अच्छा सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हो जाएगा वो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बताते हैं, समझाते हैं। वैलेंसी सर सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है सर। हां बाबू सर, थोड़ा मैं लीव कर रहा हूं, फिर मुझे फिर से ऐड कर लीजिएगा। कहां जा रहे हो? सोडियम एक 12 किसका होता है? मैग्नीशियम होता है। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम होता है। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम होता है। 12 किसका होता है? वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम Mg होता है। 3 बार ये लीक हुआ, ठीक है। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम होता है सर, है ना? एटॉमिक नंबर कितना बाबू? सर अब यहाँ से दे दीजिए सर, हम लोग बना के ले आएंगे। अच्छा ठीक है, दे देते हैं। एटॉमिक नंबर जेड हो गया बाबू, 12 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है सर? 2 नंबर में Me मैग्नीशियम है, MAGNESIUM है मैग्नीशियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर? 12 बाबू। 12 इलेक्ट्रॉन को घर में रखना, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे बचेगा आगे लेते जाना। पहला सेल में सर, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन सर, फिर 2, क्योंकि दूसरा में मैक्सिमम 8 को रह सकता है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से हुआ ना मेरे बाबू, 2 अभी बच रहा है तो 2 और अरेंज करो सर, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। हाँ मेरे लाल, अभी तक नहीं वैलेंसी के बारे में पढ़ी थी बाबू? सर पढ़ी नहीं हूँ सर, पढ़ी हूँ। वैलेंसी कितना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला सर में 2 इलेक्ट्रॉन सर, 8 सर, फिर 2 सर, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब बाबू केमिकल रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन ही बाबू, केमिकल रिएक्शन में वैलेंसी क्या बताता है बाबू? किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर होगा,
है ना, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाबू क्या होता है, हेरफेर होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वही वैलेंसी होता है। सर इसके आगे का हम लोग बना के ले आएंगे सर, मत बताइए। अच्छा ठीक है ले आइएगा, बता देते आप, समझा देते कैसे करना है। सर कर दीजिए, ऐसे भी क्लास एंडिंग होने वाला है, 6:15 होने वाला है। भागा कौन कौन, आर्यन, चलो आर्यन है, दो भागा कौन कौन बाबू, सौरभ, सर हाँ बाबू, एकदम चार्ज रहना बाबू, एनर्जी के साथ रहना। चैतान दो भागा कौन, सतीश भैया, उसका तो बाबू वो तो खैर कहने नहीं, वो तो 10 मिनट लाइव है करता उसका। नो सर 15 मिनट आज टिका सर, आज 15 मिनट टिका, चलो ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। नहीं जी हाई है जी, ऐसे मेरे बाबू का क्या कहते हो सतीश, ऐसे कैसे बाबू, आज कैसे इतना देर कैसे बाबू, सतीश इतना देर आज कैसे बाबू, जी बोल रहे ना सर 10-15 मिनट, उसको तेरे मुहावरा सुना लाइक बोल दीजिए। हाँ बाबू ऐसे मत बोलो, आज बाबू अच्छी बात है, खुशी की बात है। कितने बजे जाइएगा सतीश, सर थोड़ा सा साइड हटिए सर, 7 बजे, 7:30 बजे, 7:30 में जाएगा। हे प्रभु तब टेंशन के वो, पढ़ो आराम से, तब टेंशन के वो, बाय सर। ए बाय सर, कहाँ कहाँ से मांगे, ठीक है सर, हम कहाँ बोले बाबू, तो हम ये बोले बाबू सतीश 7:30 बजे जाएगा, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे ना आपको लिख के लाना है ना। देखो हाँ भलो क्या इसको समझा नहीं, देखो फ्लोरीन है सर, हमेशा देखो फ्लोरीन बता, एटॉमिक नंबर कितना फ्लोरीन का सर, 9 सर, तो 9 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है कहाँ सर, सेल में, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अब दूसरा सेल में बाबू कितना जाएगा, दूसरा सेल में बाबू मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दूसरा में कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन, तो पहला में 2 हो गया सर, दूसरा में कितना हो गया, 7 हो गया, तो वैलेंसी निकालना। तो बाबू जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको वैलेंसी निकालना, 8 में से सबट्रैक्ट कर देना, तो 8-7 1 हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेगा तो क्या होगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में बाबू 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 7 होगा। नियॉन को नियॉन देखो, नियॉन का बाबू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 10 सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 सर, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, और 10 है बाबू, तो दूसरा सेल में कितना होगा, 8 होगा, तो 10 हो गया ना बाबू, ठीक है सर। अब इसका आउटर मोस्ट सेल बाबू कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट में 8 होता वो, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बाबू ऑक्टेट जब कंप्लीट हो गया तो ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, है ना, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लगा, इसलिए इसको इनर्ट गैस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं वो। तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा सर, वैलेंसी 8-8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। केमिकल रिएक्शन में बाबू तभी भागो है ना, आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है ना, और वही बाबू अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, चाहे ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है ना। हाँ बाबू नेक्स्ट सोडियम, सोडियम है वो, सोडियम, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है सर, 11 होता है, सोडियम का 11, तो 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होगा, 11 इलेक्ट्रॉन को आपको सेल में अरेंज करना है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, और दूसरा सेल में कितना सर, 9 थोड़ी होगा, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ध्यान देना, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, ये सब पीछे बता दिए। तो दूसरा सेल में बाबू कितना रहेगा, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 हो गया सर बाबू, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, एक बच गया, तो एक बाबू अगला सेल में चल जाएगा, अगला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, जो ये अगला सेल में चल गया बाबू, तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया ना बाबू। अभी सोडियम एटम के लिए ये क्या होगा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट हो गया, इसके बाहर कोई ऑर्बिट नहीं ना बाबू, नहीं ना इसके बाहर कोई ऑर्बिट नहीं है बाबू, है ना, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही उसकी क्या होता है वैलेंसी, और वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, मैग्नीशियम किसी तरह से फाइंड करेंगे, मैग्नीशियम को फाइंड करेंगे, फिर अल्मोनियम आएगा बाबू, फिर सिलिकॉन आएगा, है ना बाबू, उसी तरह से 1 से 20 तक आप लोग करके लाइएगा, 1 से 20 तक करके लाइए, है ना, 1 से 20 तक सारा करके लाइएगा, ये मैंने 12 हो गया ना बाबू, 13 से 20 तक करके लाना, ठीक है। और यहाँ बाबू आप गलती करोगे, शांति से सुनो, यहाँ बाबू जब आपका बाबू कैल्शियम आएगा, है ना, आप पोटेशियम आएगा, उसमें आप गलती करोगे, देखो कैसे उसको समझा देते हैं। एटॉमिक नंबर जब 19 आएगा वो अब 20 आएगा, है ना, उसमें गलती करोगे, है ना, उसका पहले तो सही है, आर्गन तक का सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना बाबू, दो का समझा तो कैल्शियम पोटेशियम का, है ना, उसको समझा देते हैं, लिखाएंगे नहीं समझा देते हैं, अभी बाबू वीडियो बाकी है रह गया दिखाने के लिए बाबू, कल समझा दीजिएगा। कहाँ जाना है सौम्या, कहीं नहीं सर।
हाँ कहीं नहीं जाना तो फिर दो दस मिनट और पढ़ो, एक तो लेट से आती हो, कितना मिनट लेट सर, आई बस, सर वो ड्राइंग नहीं हो रहा था सर, 5-6 में आई थी, बस 6 मिनट लेट थी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, देखो जब 5:10 को क्लास है ना, 5:05 से कल टेस्ट सर, बस 1 मिनट लेट थी ना। हाँ बाबू कल आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, सुबह में आप लोग का वही बाबू, यही टेस्ट है बाबू, है ना, टेस्ट होगा सुबह में, तो टाइम यही टाइम ना। हाँ टाइम वही बाबू 5:10 बाबू। नेक्स्ट बाबू हमको क्या लिखना है सर, पोटेशियम लिखना, शांति सुनो सुनो, पोटेशियम बाबू, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को सिंबल के से रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू, तो एटॉमिक नंबर पोटेशियम का, शांति से सुना, एटॉमिक नंबर जो पोटेशियम का होता है, वो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है ना, 19 होता, ठीक, 19 होता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक, ठीक है सर, इसको समझा रहे हैं, तब 19 इलेक्ट्रॉन को आपको सेल में अरेंज करना, शांति से सुनना, तो ये बाबू न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, में 2, फिर सेकंड में 8 और थर्ड में 9, शांति से, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है और कुछ नहीं है ना बाबू, हर एक जगह थोड़ा सा एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी होता है, पहला देखो 19 इलेक्ट्रॉन है सर, तो पहला सेल में मैक्सिमम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन सर, है ना, बाकी कितना बचा, 17 बचा, तो 17 बचा सर, तो दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन सर, 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो कितना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, है ना, 19 में से बाबू 10 इलेक्ट्रॉन यूज किया, 9 बचा बाबू, तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 रहेगा, है ना, 18 रहेगा, अब शांति से सुना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे तो यहाँ कितना आएगा सर, 10 हो गया ना वो, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, है ना, कि यदि बाबू देखो यहाँ पे करता क्या, वो अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाबू, आपको बताएं बाबू, किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है, किसी भी जो एलिमेंट का बाबू वैलेंसी होता है, और वैलेंस सेल में बाबू मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता, तो क्या होता है बाबू, यहाँ पे होता क्या, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक और एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो एक जो इलेक्ट्रॉन है अगला ऑर्बिट में चला जाता है, अगला ऑर्बिट में चला जाता है ना, वो अगला ऑर्बिट में चला जाता है, पोटेशियम का और बाबू इसका कैल्शियम का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, पहला सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन सर कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन थर्ड सेल में सर मेरा 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 तक होता है, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 तक, तो 9 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 9 इलेक्ट्रॉन आता बाबू, लेकिन क्या होता है अपने स्टेबिलिटी गेन करने के कारण बाबू, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल में चला जाता है, और थर्ड सेल में कितना रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तब ये बाबू थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, अगर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी और थोड़ा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बाबू, है ना, गेन करने के लिए बाबू, है ना, ये क्या चलता है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे वो किसका, पोटेशियम का, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सर, थर्ड सेल में कितना है सर, 8 है, और लास्ट वाला सेल में क्या है, 1 है ना, 1 है, तब इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1, आउटर मोस्ट सेल में 1 है ना, तो ऐसा होता है, ऐसे इसको हम नहीं लिखेंगे, है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पोटेशियम 2, 8 और 9, है ना बाबू, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पोटेशियम नहीं, ये भी 19 होता है ना, ये भी 19 होता है, तो रूल के अनुसार सर, रूल के अनुसार क्या होना चाहिए सर, 9 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, रूल के अनुसार ये तो 9 होना चाहिए, और 2, 8, 9 होना चाहिए, लेकिन अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, वो थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में चल जाता है ना बाबू, आउटर मोस्ट फोर्थ सेल में चल जाता है ना, तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, उसी तरह से जब कैल्शियम करोगे वो, कैल्शियम करोगे तो 20 इलेक्ट्रॉन होगा, कैल्शियम का करोगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो 2, 8, 2 हो जाएगा, कैल्शियम का 20 होगा, है ना, उसके बाद एस्टेडियम से लेकर हमको कहाँ तक करेंगे, जिंक कॉपर तक करना है ना, 29 कॉपर होता है ना, कॉपर को 29 होता है ना, तो वहाँ तक करेंगे बाद में, तब इसे एक अभी से 1 से 20 तक के करना, तो 18 तक का आपको कोई टेंशन नहीं होगा, 19-20 में बाबू ये थोड़ा सा टेंशन है ना, तो 19-20 का कैसे होगा, 2, 8, 8, 1 होगा 19 का, 20 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, इसको ध्यान रखना है ना, इसके बाद बाबू इसका टेबुलर फॉर्म बता दें, के एस एल में कितना इलेक्ट्रॉन, एल एस एल में कितना इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में एंट्री करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको एक से कम यहाँ तक बना के लाना, 12 से छोड़ें, 13 से बना के लाना, है ना बाबू, 13 से सर 20 तक, हाँ 20 तक मेरे बाबू, आप पोटेशियम और कैल्शियम पे ध्यान देना, तो पोटेशियम और कैल्शियम पे ध्यान देना, समझ में आ रहा है शिवम बाबू, शिवम, यस सर।
चलो अच्छी बात है। शैतान भागा कौन कौन बाबू? बहुत सर जाए बाबू, टाइम अभी टाइम नहीं हुआ है बाबू, आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते? सारे स्टूडेंट बाबू टाइम पे आ जाओ, संतुष्टि ऐसे पढ़ाएंगे तो कैसे खत्म होगा? एक ही मिनट तो बस सर लेट हुआ था। अरे बाबू बहुत सारे स्टूडेंट बैठा हूँ सर। ठीक है बाबू, आर्यन कई बजे जाना? आर्यन बाबू ओके सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर, थैंक यू। तो पढ़ाई है ना क्या? आर्यन बाबू कितने बजे जाना है? आज छुट्टी है सर, सेकंड सैटरडे को। हाँ यार आर्यन बाबू, सेकंड बैंकिंग सिस्टम चलता है स्कूल में क्या बाबू? जैसे सेकंड आप फोर्थ सेटरडे बैंकिंग सर, हमारा भी होता है सर, हमारा भी होता है, लोका भी होता है। हां सर, हम लोग के बिहार में नहीं होता है बाबू, क्या करें, यहाँ पे टीचर संडे को भी छुट्टी ना होता है मेरे स्कूल में। तो फिर सतीश भैया का कैसा है? नहीं इधर हम बिहार शरीफ में तो कोई नहीं देता बाबू, यहाँ तो संडे को भी छुट्टी कर देते हैं। जब मैं कॉल में पढ़ती थी ना कैम्ब्रिज गर्ल्स में सर, तो उसमें सेकंड सैटरडे लास्ट सैटरडे सबका छुट्टी देता था वो लोग। बाप अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन पापा नहीं बैठा देते थे क्या? चलो ठीक है शैतान, रहने देते हैं, कल थोड़ा सा वीडियो वगैरह दिखा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, है ना? वीडियो वगैरह है सारा, है ना? वो दिखा देंगे। सुमित बाबू टेस्ट में क्या क्या आएगा? हाँ कल टेस्ट देना सुमित, सुबह 5 बजे आके, कल भी आप लोग का क्लास होगा। क्या आएगा बेसिक एलकेजी वाला बाबू? थोड़ा सा लेंस का, लाइट का, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, समझा? इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तो कैसे दीजिएगा आप? क्या बाबू, क्या सुमित? कल टेस्ट होगा? हाँ सुबह 5 बजे आना है, यही इसी टाइम पे आना है। तो बाबू आपको क्या लगता है, नॉर्मल क्लास है बाबू? ऐसा क्लास पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बाबू। संडे को संडे टेस्ट होता है, मैं भी आऊं? आपको समझ ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप बाबू लाइट चैप्टर पढ़िएगा, बहुत दिन मैथ दे दिया, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी या लाइट पे कमांड करो, है ना सर? सर फिजिक्स कब पढ़ाएंगे? इसको पहले खत्म करते हैं, इसको पहले खत्म करते हैं बाबू, इसको पहले खत्म करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पढ़े और हम लोग लाइट भी नहीं पढ़े तो कैसे होगा फिर? अरे मेरे लाल लाइट नहीं पढ़े, मैथ पढ़े ना, मैथों का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस पढ़े ना, परसेंटेज पढ़े हो ना, खाली मैथ का दीजिए ना। नहीं बाबू इसे भूल गया ना, बहुत परेशान हो गया, थोड़ा थोड़ा देंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन वो भी डालेंगे, वो मिक्स रहेगा ना। हां सर ज्यादा मत दीजिए भाई। अच्छा ज्यादा नहीं देंगे, मैथ से बनाओ, मैथ में तेज बनो, फिजिक्स से मैं उसमें भी तेज हूं। श्रुति आ जाओ बाबू, कहां है शिवानी? क्या हुआ बाबू शिवानी? क्या सर?